रूल इज रूल है, अगर आप हिजाब पहन के जा रहे हो तो फिर स्कूल का मतलब ही क्या हुआ, वहाँ पे आप सेक्युलरिज्म सिखा रहे हो। सोनू निगम के खिलाफ फतवा क्यों जारी किया गया? क्या सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसने बोल दिया था कि अजान की स्पीकर से मेरी नींद खुल जाती है? और पंडितों को मारने का फतवा कहाँ से आया था? हिंदुओं को मारने के लिए अरविंद केजरीवाल जी, आप और आपके गुर्गों ने बम रखवाए थे, हिंदुओं का कत्लेआम करवाया, कम से कम हमने पोस्टर लगाए हैं सच्चे विषयों में। मारने के लिए बम नहीं फेंका है इनके तरह छतों के ऊपर। पोस्टर तो कितने कश्मीरी पंडितों को बसाए वहाँ, कितनी कॉलोनियां, रिड्रेशल आपके होते हुए बसाएंगे कहाँ से? आप तो उड़ा देंगे फिर। जमाई जी, जब तक हम जीवित रहेंगे स्कूल में गायत्री मंत्र चलेगा, ये धमकाना बंद कर दीजिए। राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का और एक डिबेट वीडियो के साथ। दोस्तों आज के वीडियो में हमें दिखने वाले हैं समित पात्रा और आपको इस डिबेट वीडियो में दिखने वाले हैं सियोम त्यागी और आपको इस डिबेट वीडियो में दिखने वाले हैं शोएब जमाई। दोस्तों आज के डिबेट वीडियो में समित पात्रा और शोएब जमाई में बहुत तीखी बहस हुई है। दोस्तों आज के डिबेट वीडियो में ऑडियंस भी नजर आने वाले हैं जो कि बहुत अच्छे अच्छे सवाल किए हैं शोएब जमाई से। दोस्तों इस डिबेट वीडियो में एंकर अमीश देवगन भी काफ़ी शोएब जमाई से सवाल किए हैं। तो आज की डिबेट वीडियो में शोएब जमाई से काफी क्वेश्चन किए गए हैं जिसका जवाब शोएब जमाई इस वीडियो में देते हुए आपको नजर आएंगे। दोस्तों ये डिबेट वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है तो हमें उम्मीद है कि ये डिबेट वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए ताकि हमारे डिबेट का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ये डिबेट वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सर मैं सबसे पहले सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने अभी ये बोला कि हमने कभी भी धर्म संसद करके किसी भी स्पेसिफिक कम्युनिटी के खिलाफ कोई भी गलत बात नहीं बोली है, तो ये बताइए सोनू निगम के खिलाफ फतवा क्यों जारी किया गया? क्या सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसने बोल दिया था कि अजान की स्पीकर से मेरी नींद खुल जाती है? और देवबंद संसद नहीं था रे, नहीं था ना वही, वो कह रहे कि एक दो लुखे लफंगे समाज से उठ के आते हैं, बयान दे देते हैं, चैनल उसको बड़ा बना, किसी नहीं देवबंद ने No any इस्लामिक सेमिनरीज, लेकिन ये कश्मीरी, ये कश्मीरी पंडितों को मारने का फतवा कहां से आया था? जब मस्जिदों से बोला गया था कि तुम कश्मीरी हिंदुओं तुम चले जाओ अपनी औरतों को छोड़कर, ये किसने बोला गया था? ये नापाक पाकिस्तान से आया था। अगर कश्मीर में रहना है तो अल्लाह ऊपर कह रहा होगा तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये मस्जिदों से नारे निकले। हाँ। और उन मस्जिदों से नारे निकलने के बाद धर्म संसद करने की जरूरत नहीं पड़ी, काट दिया गया कश्मीरी पंडितों को। गजब बेइज्जती है। मैं पोस्टर पे अच्छा, आप भी लगा पहला, मैं पहला मैं पोस्टर कितना पोस्टर लगाया, पहला मैं पोस्टर पे बोल दूं। जमाई साहब आपने सवाल पूछा, मैं अपनी बात को काट के पहले आपके प्रश्न का जवाब, मुझे दुख होता है, मुझे कष्ट हुआ अरविंद केजरीवाल जी और उनके कुछ चाटुकार जो हंस रहे थे ठहाके मार के, और जो उन्होंने कहा ये जो नकली पिक्चर है, झूठी पिक्चर है, उसके पोस्टर लगाने आप लोग व्यस्त हैं बीजेपी वाले। पहले तो अरविंद केजरीवाल उनके गुर्गे जो हैं ये माफी मांगे, ये कश्मीरी कश्मीरी पंडितों के कश्मीरी पंडितों के ऊपर ठहाके मार के हंसने पिक्चरों से मसले हल नहीं हो गए। सर मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपने अमीश भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बात को रखिए, ये अपनी बात को रखिए, 30 सेकंड आप सब 30 सेकंड में समाप्त कर, फिर आप एक मिनट बोलिए, आप बोल रहे हैं आप प्रोफेसर हैं, इस प्रकार बीच में चिल्लाते नहीं है सर, एक सेकंड सर, मैं लड़ नहीं रहा हूं, नहीं आप मेरे मेरे बोल हंसी उड़ाई, आपने हंसी उड़ाई, आपने बोला कितने पोस्टर लगा, एक सेकंड मैं बोल लूं फिर बोलेंगे, मैं बोल लूं, नहीं अमीश भाई मैं बोला हल आराम से, नहीं ये आतंकवाद यहां अलाउड नहीं होंगे, इस पर चिल्लाना, ये आतंकवादी सोच की किसी को बोलने नहीं देना है, ये उचित नहीं, मैं बोल लूं फिर आप बोलिएगा, मैं कहां आपको रोक रहा हूं। देखिए अमीश भाई सिर्फ इतना कह रहा हूं, चलिए हमने कश्मीर फाइल्स के पोस्टर लगा लिए, कम से कम अरविंद केजरीवाल जी आपने अपने काउंसलर को कहा था हिंदुओं को मारने के लिए छतों के ऊपर पेट्रोल बम रखो, इमरान हुसैन, क्या कौन सा हुसैन है वो जो जेल के अंदर, ताहिर हुसैन, वो ताहिर हुसैन के छत के ऊपर हिंदुओं को मारने के लिए अरविंद केजरीवाल जी आप और आपके गुर्गों ने बम रखवाए थे, हिंदुओं का कत्लेआम करवाया, कम से कम हमने पोस्टर लगाए हैं सच्चे विषयों में। मारने के लिए बम नहीं फेंका है इनके तरह छतों के ऊपर, पोस्टर लगाए मैं बता, छतों के ऊपर से बम नहीं फेंके, और इन्होंने इनकी हिम्मत, इन्होंने ये कश्मीरी पंडितों के ऊपर हंसी मजाक करें, इन्होंने इनकी हिम्मत लगाए, ये इस देश में रह करके यहाँ पर हिंदुओं के खिलाफ मजाक बसाया, मैं कह रहा हूँ कि मजाक उड़ाने का विषय क्या है एक बताइए, मैंने कश्मीरी हिंदुओं के साथ इतनी बड़ी त्रासदी हुई, आरे गिरजा टिक्कू का गैंग रेप करके उसको आरे के बीच में काट दिया गया, अरे भाई मुझे सब पता है। क्या पता है आपको, इसको इतना लाइट मत दीजिए, इनको कैंसर का ट्रीटमेंट पता है, सब कुछ ये पिक्चर से पहले भगवान है, बिल्कुल हम इसे पिक्चर से पहले भी हमें पता है, इनसे पूछिए सब कुछ पता है कि भाई तुम पोस्टर लगा रहे हो, ये बताओ कितने कश्मीरी पंडितों को बसाए वहाँ, कितनी कॉलोनियां, रिड्रेशल आपके होते हुए बसाएंगे कहाँ से, आप तो उड़ा देंगे फिर।
ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। देखिए अब सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि इस देश में जितने भी इस तरह की त्रासदियां हुई हैं उनके पोस्टर हर एक राष्ट्रवादी को लगाने ही चाहिए। मैं तो कहता हूं 84 के भी लगाइए, 47 के भी लगाइए। और ये कह रहे हैं कि मतलब धर्म संसद नहीं होती। अरे धर्म संसद की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई हिंदू या फिर आपके बारे में जरा सा बोल दे आप उसका गला काट देते हो सीधा जाकर। जरूरत क्या है धर्म संसद, तो तब जरूरत होगी ना। आप आए दिन फतवे देते हो इस देश में, कैसी बातें करते हैं? कितने फतवे बताऊं मैं आपको, बताइए कितनों के गले काटे आप? जी होता क्या मतलब इस तरफ से? वो तो आप ही बताएंगे ना, होता तो आप ही है, मैं तो देता नहीं। रूल इज रूल है, अगर आप हिजाब पहन के जा रहे हो तो फिर स्कूल का मतलब ही क्या हुआ? वहाँ पे आप सेक्युलरिज्म सिखा रहे हो ना कि कोई है नहीं। स्कूल में भी गायत्री मंत्र पढ़ते हैं सब लोग। सेक्युलरिज्म का सर भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि गायत्री मंत्र, एक बार सुनिए सोहेब जमाई जी, जब तक हम जीवित रहेंगे स्कूल में गायत्री मंत्र चलेगा। ये धमकाना बंद कर दीजिए, बिल्कुल धमकाना बंद कर दीजिए। गायत्री मंत्र कोई हिंदू नहीं है, तो फिर पहले बता दे, गायत्री मंत्र कोई हिंदू नहीं है, तो गायत्री मंत्र हिंदुस्तान है, तो रिलीजन गायत्री मंत्र हिंदुस्तान है। ये धमकाइए मत, गायत्री मंत्र ना 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 ना, बिल्कुल इसको सुन लीजिए आपका सब कुछ। एक सेकंड और हमारा हिजाब गलत अमीश भाई, तो ये हमारा गायत्री मंत्र नहीं है, ये हम सबका गायत्री मंत्र, ये रिलीजन, ये देश का गायत्री मंत्र है, इस धरती का गायत्री मंत्र है, ये हिंदुस्तान का गायत्री मंत्र है। हम गायत्री मंत्र लेके मारते नहीं, हम बम नहीं फेंकते हैं, ये अल्लाह अकबर बोल के बम फेंकते हैं। किसने गायत्री मंत्र बोल के बम फेंका? एक उदाहरण दिखाइए। खत्म। दोस्तों ये डिबेट वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हैं तो हमें उम्मीद है कि ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो कश्मीर के ऊपर था, जिसमें पंडितों को काफ़ी भला बुरा कहा गया, मारने की धमकी भी दी जा रही थी। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो में इसी के ऊपर समित पात्रा और सौरभ जमाई में काफ़ी तीखी बहस देखने को मिली। दोस्तों ऑडियंस ने भी तरह तरह के सवाल किए थे सौरभ जमाई के ऊपर, और उसका सवाल सौरभ जमाई इस डिबेट में नहीं बता पाते हैं और उल्टा ही समित पात्रा से भिड़ जाते हैं। दोस्तों इस डिबेट में आपने देखा ही होगा कि समित पात्रा और सौरभ जमाई में काफ़ी तीखी बहस देखने को मिली। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, हमें उम्मीद है कि ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई हो तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल टिक कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।